Good morning students, I am Neelam and today we are going to learn about federalism. Federalism Hindi means Sanghvad. Kya hai Sanghvad? What is federalism? Before this we have to learn about some basic points. So listen, first of all we have to know about two type of government. In each and every country, there are two type of government. One is national government and second one is state government. National government kya hai? National government hai jo central level par work karti hai, pure desh ko hold karti hai, har cheez ko maintain karti hai national level par, jise hum kendriya sarkar bhi kehte hain. Okay? Second aata hai state government. State government kya hai? जैसे इन आर इंडिया देर आर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैव देयर ओन गवर्नमेंट दैट इज स्टेट गवर्नमेंट लाइक इन हरियाणा पंजाब ओके सो ईच एंड एवरी स्टेट देर आर टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट वन इज नेशनल गवर्नमेंट एंड सेकेंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट नाउ नेक्स्ट पॉइंट टू वेज इन विच पावर आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट देखो हमने अभी पढ़ा कि टू टाइप की गवर्नमेंट है नेशनल लेवल पर है और सेकेंड स्टेट लेवल पर है तो इन दोनों के अंदर स्टेट को सॉरी पावर को किस तरीके से डिवाइड करना है उस तरीके से जो गवर्नमेंट बनती है टू टाइप की बनती है फर्स्ट इज यूनिटेरी एंड सेकेंड इज फेडरल गवर्नमेंट सो फेडरल गवर्नमेंट को समझने से पहले हमें यूनिटेरी गवर्नमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए तो यूनिटेरी गवर्नमेंट क्या है इसमें भी जो पावर्स के बारे में होता है यूनिटेरी गवर्नमेंट में क्या है कि पावर गिवन टू नेशनल गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो संविधान है वो पावर देता है किसको ओनली नेशनल गवर्नमेंट को नॉट टू स्टेट गवर्नमेंट नॉट टू स्टेट गवर्नमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिटेरी गवर्नमेंट ओके यूनिटेरी गवर्नमेंट में क्या है कि जो पावर्स हैं ठीक है वो संविधान के द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किसको दी जाती है नेशनल गवर्नमेंट को दी जाती है और नेशनल गवर्नमेंट आगे क्रिएट्स करते हैं स्मॉल टेरिटरीज को यानी कि क्या है कि संविधान में ये नहीं लिखा होता कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये पावर्स हैं वहां पर क्या है सारी पावर्स किसके लिए हैं सारी की सारी पावर नेशनल गवर्नमेंट के लिए हैं और इट डज नॉट मीन कि स्टेट एग्जिस्ट नहीं होते हैं वहां पर होते हैं बट वो नेशनल गवर्नमेंट अपनी अपने अकॉर्डिंग अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग यानी कि वो देखो नेशनल लेवल पर इतने बड़े देश के अंदर कोई भी सरकार एक कैपिटल में बैठकर एक राजधानी में बैठकर पूरे मतलब कि स्टेट सॉरी कंट्री को होल ओवर नहीं कर सकती है तो अपनी सुविधा के लिए वो क्या करती है कि स्मॉल स्मॉल जो स्टेट्स हैं अपने अकॉर्डिंग बना देती है और उनमें अपनी मर्जी के अनुसार ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है पावर स्टेट को वो अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के लिए क्या देती है स्टेट्स को पावर देती है तो यूनिटेरी गवर्नमेंट क्या है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो सारी पावर है नेशनल गवर्नमेंट को दी जाती है ना कि स्टेट गवर्नमेंट को दैट इज यूनिटेरी सिस्टम नेक्स्ट सॉरी इसका एग्जाम्पल है यूके यूनाइटेड किंगडम फ्रांस एंड आयरलैंड सो यहां पर यूनिटेरी सिस्टम है यूनिटेरी गवर्नमेंट है नाउ आर टुडे मेन पॉइंट फेडरल गवर्नमेंट अभी फेडरल गवर्नमेंट क्या है फेडरल को एज आई टोल्ड यू बोला गया है संघवाद ठीक है फेडरल गवर्नमेंट में भी क्या होता है फेडरल इज आई थिंक नथिंग इट इज ओनली द वे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ओके ये क्या है फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसके बीच होता है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल गवर्नमेंट एंड इट इज इन रिटन फॉर्म और कहां रिटन होता है सब कुछ इन आर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ही एक एग्रीमेंट होता है इन फेडरल गवर्नमेंट जहां पर स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट के अंदर पावर्स को डिवाइड किया जाता है इसका एग्जाम्पल है यूएसए इंडिया
एंड स्विट्जरलैंड. हमारे इंडिया में का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें पावर्स को डिवाइड किया गया है. जैसे कि इंडिया सेंट्रल लेवल पर अलग से गवर्नमेंट है और जो हमारे स्टेट्स हैं वहां पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं और उनकी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हैं जो कि उन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई हैं. और ये देर आर थ्री लिस्ट, ठीक है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीन लिस्ट के थ्रू किया गया है. फर्स्ट इज सेंटर लिस्ट, सेकेंड इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कंट्री एक्ट लिस्ट. ओके, सो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे. एक बार मेन मेन पॉइंट्स को हम सुन लेते हैं दोबारा से. हमने पढ़ा आज फेडरलिज्म के बारे में, दैट इज संघवाद, और टाइप्स बताई आपको कि टाइप्स कितने टाइप की होती है गवर्नमेंट. नेशनल गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल पर काम करती है जिसे केंद्रीय सरकार भी बोलते हैं, एंड स्टेट गवर्नमेंट जो कि राज्यों में काम करती है, ठीक है. उसके बाद होता है यूनिटेरी एंड फेडरल गवर्नमेंट. यूनिटेरी गवर्नमेंट यानी ये हम क्यों कर रहे हैं कि हमें यहाँ ये सीखना है जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नेशनल लेवल पे कैसे होता है, स्टेट लेवल पे कैसे होता है, ये हम इन गवर्नमेंट्स के थ्रू पता चलता है हमें. यूनिटेरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट. यूनिटेरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि सारी की सारी पावर किसको दी जाती है, बाय कॉन्स्टिट्यूशन किसको दी जाती है, नेशनल गवर्नमेंट को, ठीक है. और फेडरल सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट. सो इट वॉज फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट. ओके.